हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग कुछ रेसिपी का होने वाला है। आफ्टर मैरिज मैंने शॉर्ट में वीडियोस बनाई थी रेसिपी की, तो आज मैं फुल वीडियो दोबारा से पाव भाजी की रेसिपी बना रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ कोलैबोरेशन आई हुई है, तो उनको रिव्यू भी देना है, रेसिपी भी बनानी है। तो सोचा मैंने कि दोनों ही काम एक साथ कर लिया जाए, तो रिव्यू भी हो जाएगा और मुझे पाव भाजी खाने का मन हो रहा था, तो सोचा पाव भाजी भी बना लें। तो अब स्टार्ट करते हैं और जो जो चीजें जैसे जैसे करूंगी मैं, वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। जो रिव्यू हुए वो चकदे मसालों की है, तो आज मैं बनाऊंगी पाव भाजी, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैंने पाव भाजी को हल्का, जो खड़े मसाले थे उसे मैं हल्का सा सौते कर लिया, क्योंकि ग्राइंड करने में काफ़ी अच्छा होता है। तो ये सारी मेरी वेजिटेबल्स हैं, तो मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पर जीरा लिया है, फिर प्याज डाला, उसे सौते करा, सारी वेजिटेबल्स डाल दी मैंने। वेजिटेबल हल्का सा 1 से 2 मिनट सौते करने के बाद मैंने आधा गिलास में पानी डाला। अब मैं इसमें 2 सीटी आने तक का वेट करूँगी। लो आगे मेरी 2 सीटी, एक ये और एक ये। अब हम चेक करेंगे ये अच्छे से वेल कुक है या नहीं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर सीटी लगेंगे। बट मेरे सारे सब्जी अच्छी तरह से पक चुके थे। अब मैं इसे अच्छे से मैश कर लूँगी। अब मैं इसको फाइनल तड़का दूंगी। तो मैंने ऐसे 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर तेल लिया, मैंने इसमें जीरा, तेज़पत्ता और स्टार का फ्लेवर, आहा मेरा मनपसंद है, हर सब्जी में डालूँ मैं तो। और मैंने यहाँ पर 2 प्याज लिए बड़े बड़े, और उसके बाद मैंने 2 मिर्ची डाली, क्योंकि मिर्ची हम कम खाते हैं। उसके बाद मैंने 2 शिमला मिर्च बारीक काट के उसे भी अच्छे से पका लिया। उसके बाद मैंने जो अपना मैश किया वो वेजिटेबल्स थे वो डाले। उसके बाद मैंने सारे खड़े मसाले डाले, वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है और वहाँ पर नज़र भी आ रहा है। तो जितने भी मैं मसाले यूज़ कर रही हूँ, सब चकदे इंडा के मसाले यूज़ कर रही हूँ। अब मसालों को मिक्स करने के बाद अच्छे से अब हम इसे पकाएंगे, लगभग वो मैं 3 से 4 मिनट अच्छे से पक जाने के बाद फिर दोबारा से इसमें मैंने 2 से 3 मिनट और पकाया, मतलब टोटल मैंने 7 से 8 मिनट पकाया। उसके बाद मैंने इसमें गार्निश करने के लिए धनिया डाला और घी डाला। अब मैं अपना रेडी करूँगी पाव। तो आप सिंपल पाव भी खा सकते हो, मैं यहाँ पर तड़का पाव बनाने वाली हूँ। तो मैं इसे, हम तो देसी हैं, हम बटर नहीं, हम देसी घी का प्रयोग करते हैं। तो मैंने देसी घी डाला, थोड़ी अपनी भाजी डाली और लो मेरी रेडी हो चुकी है पाव भाजी। देख सकते आप क्या यम्मी लग रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जैसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। और तारों की पिटारी में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय।